हेलो फ्रेंड, ममता किचन में आपको स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ पोहा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे पोहा बनता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हम बना के आपको दिखाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट पोहा। चलिए, ये पोहा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पोहा बनाने के लिए हमने यहाँ 2 बड़े कप का पोहा लिया है। इसको हम अच्छी तरह से धो के उसके बाद इसको ठीक कर लेंगे। उसको यहाँ हमने लिया है नमक एंड हल्दी और यह करी पत्ता 18-20, सरसों 1 चम्मच, मिर्चा, प्याज, टोमेटो, कैप्सिकम, बीन्स, गाजर सब ले लिया हमने। अब हम कढ़ाई को गर्म कर देंगे, गर्म करने के लिए बैठा देंगे। अब गैस जला देंगे, उसके बाद ये कढ़ाई गर्म हो जाएगा तब इसमें हम तेल डाल देंगे। उसके बाद जो सरसों लिए हैं वो सरसों और करी पत्ता और मिर्चा दोनों को हम लोग छोड़ेंगे। अब कढ़ाई गर्म हो गया, अब तीनों को हम लोग छोड़ देंगे, करी पत्ता, सरसों। इसको हल्का सा इसको एक थोड़ा सा चटकार लगा देंगे, ये हो गया। अब हम प्याज डाल देंगे, प्याज और मिर्चा डाल देंगे। इसको अच्छा तरह से हल्का सा ब्राउन कर लेंगे इसको। ये ब्राउन हो गया है मेरा। अब जितना सारा सब्जी हमने लिया है उसको भून लेंगे। आप चाहे तो इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, तो हमने नहीं डाला है। आपके पास जो हमने भिंगा के जो पोहा रखा था यहाँ पानी झरने के लिए दे दिए हैं। यहाँ गाजर सब्जी, जितना सारा सब्जी है ये अब हम डाल देंगे। प्याज मेरा हो गया है, कढ़ाई में सब सब्जी डाल देंगे। इसको हल्का सा नमक दे देंगे, 1 चम्मच नमक दिए हैं और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर थोड़ा दे दिए हैं। तो इसको अच्छा सा हल्का सा 5 मिनट के लिए पका लेंगे थोड़ा सा, जैसे ज़्यादा कच्चा भी ना रहे और ज़्यादा पके भी नहीं। आप देख सकते हैं पोहा हमारा रेडी हो चुका है, वो भी उसका कलर कितना सुंदर आया है। और अब हम इसको सर्विंग प्लेट में एक निकालेंगे, निकाल के सर्व करेंगे। और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार, देख सकते हैं आप इसका कलर देख के लग रहा बहुत ही टेस्टी बना होगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए। तो मेरे हस्बैंड से चलिए ट्राई करके पूछते हैं कैसा बना। थोड़ा खा के बताइए। मिष्टी मिष्टी हुआ है। अच्छा हुआ। आयुष तुम भी खा लो थोड़ा सा। मिष्टी मिष्टी हुआ है, थोड़ा खा के।